बालघर है जी स्वामी गंगानंद भूरी वाले बालघर, ये महाराज जी की रहनुमाई हेठ चल रही है जी। स्वामी शंकरानंद जी भूरी वाले की सरप्रस्ती हेठ चल रही है। साढ़े अनमोल वीर जी बहुत साथ दिते ने, जो सू बच्चों के इलाज के लोड़ पैंती है तो बस ये एक कंध बन के खड़े होंगे ने, उ फिर तो ये कहने भी थानू आने की लोड़ नहीं हैगी। बाबा जी कराते हैं, बाकी स्वामी जी ने इन्हों, चलो इन्हों का आशीर्वाद है, ये गल्ला गल्ला बहुत कुछ समझा देंगे ने, तो मैनू कहते हैं मैनू बुलाया कर तू कोई हॉस्पिटल पंगा पाता। जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज कथन कर रहे हैं, वह का फरजो बनखंड जा रहे, वह का फरजो कन्या मार, बनखंड साढ़े उजड़ते जा रहे हैं, आओ आप इन जंगलों की देख संभाल करिए। भगती दाती है सेवा नवाई सेवा करनी, सो सू सेवा करनी चाहिए है, दास सेवा दे हर वक्त हाजिर नाजर रहता है। तुसी भी अपने आले दुआले जरूर देख के, खाली जगह देख के, वो बूटा सगों की कला लाओ ना, बीजो ना, तो उन्होंने पानी भी दो, तो वो कल नूं वड्डा हो के जिवें असीं कहिंदे आ कि बूटा लांदा कोई होर है, फल कोई होर लैंदा, तो छां कोई होर लैंदा, तो उवें भी तुसी भी अपने आले दुआले खाली जगावां ते घर च बाहर जिथे जगह बूटे लाओ कि जिहड़ा साडा वातावरण आ वो खुशहाल हो सके। बच्चे साडे समाज का भविख ने, इन्हां नूं संभालण दी लोड़ आ, वह भी आपां रल के लगे हुए हैं, उवें वातावरण की संभाल नूं ध्यान च रखते हुए प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा लोड़ आ। जिवें स्वामी जी ने दस्सिया, आपां रल के जे एक एक बूटा भी बीजण लगीए तां पता नहीं किन्ने क रुख सी। पहला इरीगेशन का सारा प्रबंध होया, हुण एक एकड़ चलाउण लगे हैं। क्या बात, ते महाराज जी ने यह भी कहा भी डेढ़ एकड़ होर पिया जे तुहाडा सही हुंदा तां उहनूं भी। क्या बात, कि जिहड़ी बच्चों की पढ़ाई लिखाई है जी, भैण ने इन्हां नूं इत्थे लिआंदे ही अगले मैनूं लगदा चार दिनां दे विच विच जिहड़ी इन्हां दी पढ़ाई वह भी टॉप दे स्कूल च, जिहड़े बच्चे तरसदे ने स्कूल च जाण नूं। और मैं कभी सुपने च भी सोच नहीं सकता सीगा कि बच्चों की परवरिश जाके गुरु साहब ने इन्नी कृपा करनी है, वो परमात्मा सच्चे पातशाह ने इन्नी कृपा की कि बच्चों नूं ICSE बोर्ड दे विच जिहड़ा वो दाखला कराया। फिर चांदनी सैकंड क्लास तक चली गई जी, सिलेबस कंप्लीट करके इहदी एडमिशन जिहड़ी आ क्या बात वो सैकंड क्लास दे विच होई। पर यह दीदी जदों जदों ये इन्हों का साढ़े को केस आया सीगा, तुहानू भी पता है कि कमरे के रह रहे सी, पढ़ते नहीं सीगे, फादर घर आते नहीं सीगे, मदर बेचारी कल्ली भी बीमार हो गई, तो यह तीनों बच्चों का मन लगता है कि जे आपां प्रैक्टिकली गल करिए तो कोई भविष्य नहीं सीगा जे भैण ना सामभ दे। कहिंदे जदों एक बच धी पढ़ती है ना तो अगे 10 घर पढ़ते हैं क्योंकि अगे उहदी वंश पढ़ता है ना, तो यह भैन पता नहीं किन्ने हज़ारों बच्चे हुण तक इत्थों छोटे छोटे जिन्हों रोडों पर सुट जाते हैं या कोई कूड़े के ढेर च भैन सुट के उन्होंने गल नाल ला के पता नहीं उन्होंने किन्ने हज़ारों बच्चों की जिंदगी बनाती। तो मैं हमेशा सलाम करता रहूँगा इधर सोच वाले पंजाब सारे जिन्हें भी लोग काम कर रहे हैं। बाकी जिन्हें भी वीर इतने सपोर्ट कर सकते हैं जरूर वो तो वह एक बार विजिट करो, इतने छोटे छोटे बच्चे तकरीबन किन्ने बच्चे भाई अच्छे साढ़े को 62 बच्चे 62 के तकरीबन बच्चे ने जड़े कह लो कि मैं हूँ शब्द नहीं यूज़ करना चाहता पर जिन्हों का कह लो कोई नहीं उन्होंने वाहगुरू उन्होंने परमात्मा। जिहड़ा ये बालघर है जी स्वामी गंगानंद भूरी वाले बालघर, ये महाराज जी की रहनुमाई हेठ चल रही है जी। स्वामी शंकरानंद जी भूरी वाले की सरप्रस्ती हेठ चल रही है। इन्हां बच्चों की सेवा दे लई हर टाइम तत्पर रहने हैं। साढ़े अनमोल वीर जी बहुत साथ दिंदे ने, जदों सानू बच्चों के इलाज के लोड़ पैंदी है तो बस ये एक कंध बन के खड़े होंदे ने, उत्थे फिर तो ये कहने भी थानू आने की लोड़ नहीं हैगी।
इन्हां चीज़ां सारे लगे हुए हैं। वैसे तो यह सारे नूं पता ही है भी इदां ट्रीटमेंट करवाउंदे ने अंते नहीं आम पब्लिक का भी। जे साडे कोई मुलाजम नूं कोई इत्थे सेवा करन वाले नूं उहनां नूं लोड़ पैंदी आ उहनां नाल भी ये पूरा ट्रीटमेंट करवाउंदे ने। बाबा जी करांदे ने, बाकी स्वामी जी ने इन्हां नाल, चलो इन्हां दा आशीर्वाद है, गल्लां गल्लां च बहुत कुछ समझा जांदे ने। ते मैनूं कहिंदे ने मैनूं बुलाया कर तूं कोई हॉस्पिटल पंगा पांदा, ते बहुत वड्डा हौसला मेरे लिए। ते बाकी स्वामी जी दो बोल जरूर। आप जी ने जो उगे समाज सेवादार हैं अनमोल जी, समाज समझ संबंधी इन्होंने प्रवचन किए, साढ़े कुलदीप जी ने किए, जो समाज गिरावट बनने जा रहा है, बच्चों का जो देखभाल या बच्चों का छुट देना कई कारण बन जाते हैं जिन्हों का कोई हवाला नहीं होंदा। इहदे लई गां भी है पर इंसान की सेवा लई जंगल साढ़े खत्म होते जा रहे हैं। जगत गुरु बाबा गरीबदास महाराज कथन कर रहे हैं, वह काफर जो बनखंड जा रहे, वह काफर जो कन्या मारे, बनखंड साढ़े उजड़ते जा रहे हैं। आओ आप इन्हां दी जंगलों की देख संभाल करिए, तो ये साडा ये एक शरीर का जीवन का बहुत बड़ा दरख्त, बच्चे ये अंग हैं। भगती का अर्थ ही है सेवा नभाउणी, सेवा करनी, सो सानू सेवा करनी चाहिए है। दास सेवा दे विच हर वक्त हाजर नाजर रहिंदा है। दास इन्हां शब्द दे नाल अपनी बाणी नूं इत्थे ही विराम दे। अज इत्थे पहुँचण दा सबब बणिया जी, बाई जी का मैनूं फोन आया कि अज इत्थे प्लांटेशन हो रही है, तो बहुत वधिया उपराला, क्योंकि असीं सारे दुनिया च साह लैंदे आ पर साह ऑक्सीजन आउंदी कित्थों है ये सारिआं नूं पता है, पर उहदे ते कम कोई नहीं कर रहे। जिन्हें भी वीर पंजाब भर के दरख्तों लाण के सेवा निभा रहे हैं वह सारिआं नूं कोटी कोटी प्रणाम है, क्योंकि बहुत अच्छा काम है। तो अज भी इत्थे जिहड़ी प्लांटेशन है, जिहड़े प्लांट्स लाए गए, कह लो कि तरह का जंगल जिहड़ा इत्थे बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस कोशिश के सारिआं ने एक एक बूटा लाया इत्थे। तो तुसीं भी अपने आले दुआले जरूर देख के, खाली जगह देख के वह बूटा सगों की कल्ला लाओ ना, बीजो ना, तो उहनूं पाणी भी दिओ, तो वह कल नूं वड्डा हो के, जिवें असीं कहिंदे आ कि बूटा लांदा कोई होर है, फल कोई होर लैंदा, तो छां कोई होर लैंदा, तो उवें भी तुसीं भी अपने आले दुआले खाली जगावां ते घर च बाहर जिथे जगह बूटे लाओ कि जिहड़ा साडा वातावरण है वह खुशहाल हो सके। तो जिहड़ी इन्नियां बीमारियां वातावरण दे विच हो चुकी हैं, पेड़ वड्डे जाण करके, तो वह दुबारा तुसीं भी कोशिश करके लाओ। तो मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ बाई जी दा, इन्हां ने इन्नी सोहनी शुरुआत की है, तो बाल घर छोटे छोटे बच्चे ने, दीदी ने, बाकी दीदी थोड़ा जिहा तुहानूं बाल घर बारे जे दो शब्द बोल दें तो बहुत वधिया रहूगा। जिद्दां ही स्वामी जी ने पहले ही दस्सिया, तुसीं वीर जी दस चुके हो कि बच्चे साडे समाज दा भविख ने, इन्हां नूं संभालण दी लोड़ आ, उह भी आपां रल के लगे हुए हाँ। उवें वातावरण की संभाल नूं ध्यान च रखदे हुए प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा लोड़ आ, जिवें ही स्वामी जी ने दस्सिया आपां रल के जे एक एक बूटा भी बीजण लगीए तां पता नहीं किन्ने क रुख असीं उह घाट तां शायद नहीं पूरी कर सकांगे जो असीं वढ के जां उजाड़ के इन्हां चीज़ां नूं कर रहे हाँ, पर जिन्ना क हंबला मार सकते हैं बच्चों संभालन के वाग ही रुखों की संभाल करिए, तो शायद कुछ ना कुछ साड़ी प्रकृति जिहड़ी है सानू जिहड़ियां गलत चीज़ा गलत गल्लां साडे तो हो रही ने उन्हां दी माफ़ी असी लै सकीए। अज भी इत्थे रुख शुरू करन तो पहला पानी का प्रबंध किया गया भी इन्हां नूं पालना, क्या बात है, वह जरूरी है, रुख लाउण दे नालों पानी पाउणा बहुत जरूरी है इन्हां दे। बिल्कुल बिल्कुल, पहला इरीगेशन का सारा प्रबंध होया, हुण एक एकड़ च लाउण लगे हैं, क्या बात। तो महाराज जी ने यह भी कहा भी डेढ़ एकड़ होर पिया जे तुहाडा सही हुंदा तां उहनूं भी, क्या बात, ये बहुत वधिया ते बहुत शलाघा जो काम है। बाकी चांदनी भैण साडी खुश है, कैसा लग रहा है यहाँ पे, बोल, स्टडी पुछो किवें चलदी, पढ़ाई कैसी चल रही है, शुरू हो गई, स्कूल गए थे, कितने दिन हो गए जाते, स्कूल में दोस्त बने, मैं जरूर भैने कहूंगा तुम इस चीज़ बारे भी जरूर दसो कि जिहड़ी बच्चों की पढ़ाई लिखाई है जी भैन ने इन्हों इतने लिया ही अगले मैं लगता चार दिन के जी इन्ह की पढ़ाई वो भी टॉप के स्कूल जोड़े बच्चे तरसते हैं स्कूल जा, और मैं कभी सुपने भी सोच नहीं सकता कि बच्चों की परवरिश जाके गुरु साहब ने इन्नी कृपा करनी है, वो परमात्मा सच्चे पातशाह ने इन्नी कृपा की कि बच्चों ICSE बोर्ड के जोड़ा दाखला कराया, पढ़ाई लिखा शुरू कराया, प्रैपरेटरी दी नर्सरी क्लास की, तीन चार दिनों मेंटली तो बड़े शार्प से बच्चे जी, ये अच्छा एक ही सी कि स्कूलिंग ना होने करके इन्हों ABC तो शुरू करना पिया, फिर चांदनी सैकंड क्लास तक चली गई जी, सिलेबस कंप्लीट करके एडमिशन जी सैकंड क्लास के हुई, तो मनु अपनी क्लास एज वाइज अपनी क्लास के गया, LKG के गया जी, तो यू UKG के मिली, पर अजे भी ट्राई करा कि एक क्लास होर अगे नू
लिजा सकीए प्रमोट करके जी। ये चांदनी का जो नाम यदि माँ ने चांदनी रखा होना उदो नहीं पता होना कि ये रोशन करेगी, पर तुसी अपने नाम दे हिसाब नाल बहुत ब्रिलियंट बच्चा जी, ब्रिलियंट। पर ये दीदी जदों जदों ये इन्हां दा साडे कोल केस आया सीगा, तुहानूं वी पता है कि कमरे दे विच रह रहे सी, पढ़दे नहीं सीगे, फादर घरे आंदे नहीं सीगे, मदर विचारी कल्ली उह वी बीमार हो गई, तां इह तिन्नों बच्चियां दा मन लगदा कि जे आपां प्रैक्टिकली गल करिए तां कोई भविष्य नहीं सीगा जे भैण ना सामदे। चलो ये मनन ना मनन दा बड़प्पन है, पर वाकई ये हज़ारां बच्चियां दी जिहड़ी जिंदगी बनाउण दे विच अगों उहनां परिवारां, क्योंकि जदों बच्चा वड्डा हुंदा कहिंदे जदों इक धी पढ़ती है ना तो अगे दस घर पढ़ते हैं, क्योंकि अगे वो वंश पढ़ता है ना, तो यह भैन पता नहीं किन्ने हज़ारों बच्चे हुण तक इत्थों छोटे छोटे जिन्हां नूं रोडां ते सुट जांदे ने या कोई कूड़े दे ढेर च भैन नूं सुट के उन्हां नूं गल नाल ला के पता नहीं उन्होंने किन्ने हज़ारों बच्चों की जिंदगी बनाती। तो मैं हमेशा सलाम करता रहूँगा जी सोच वाले पंजाब सारे जिन्हें भी लोग काम कर रहे हैं, बाकी स्वामी जी ने आशीर्वाद रख्या होया जो कि लोड़ पैंदी है कहिंदे मैनूं फोन कर मैं आऊँगा, तो वैसे ही अंग संग नाल मैनूं बड़ी खुशी है क्योंकि सानू हौसले की लोड़ होंदी है। तो पूरी संगत का बहुत धन्यवाद जो इतने मिल के जुल के सारे बाल घर की सेवा निभा रहे हैं, तो अद्ही निभा रहे ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 62 ਬੱਚੇ 62 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡੋਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜੈਸਿਕਾ ਦੀਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਡੋਨਰ ਨੇ, ਕੇਤਨ ਵੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।